दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एम के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मेरे पास एक सोनी सीआरटी टीवी है, 29 इंच का वीगा मॉडल है, तो आज मैं इसी को रिपेयर करने वाला हूँ। आई होप कि वीडियो बहुत खास बनने वाला है और सबके लिए कार्यरत होने वाला है, नए पुराने सभी मिस्त्री के लिए, सभी मैकेनिक के लिए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि इसको मैंने अभी क्लीन कर लिया है, जितना भी इसका डस्ट था मैंने निकाल दिया है और अब मैं इसको रिपेयर करने वाला हूँ। ये सोनी का 29 इंच सीआरटी टीवी है वीगा मॉडल, जिसमें कि दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ जो नए पुराने सभी मिस्त्रियों के लिए, सभी मैकेनिक के लिए, सभी काम करने वालों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनेगा ये, क्योंकि इसमें जो खास प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है टीवी बंद रहती है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है ब्यू ट्रांजिस्टर खराब होता है तो हम लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें मैं जो देखा हूँ अभी, सबसे पहले मुझे दो स्पेयर पार्ट्स देखा है जो सप्लाई में डैमेज है। एक ये कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का वैल्यू है हमारा 22 UF 450 वोल्ट, और दूसरा एक हमारा यहाँ पे है ये स्पेयर लगा हुआ। अब ये PF है कि बैरिस्टर है मुझे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो ये हमारा फटा पड़ा है। तो इन दोनों स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई में ही, सबसे पहले इनपुट में ही फटे होने का मतलब ये हो सकता है कि काफ़ी इसमें जो है मगजमारी है। लेकिन जो भी मगजमारी है, आपको तो पता है पिछला भी वीडियो मैंने दिया है आपको सोनी का एक ट्रेनीट्राउन मॉडल का, उसमें भी मेरा वैसे वो 1.5 घंटे का वीडियो था, लेकिन उसको मैंने जब बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करा, एडिटिंग करा, उसके बाद में वो हमारा 30-35 मिनट का जो है वीडियो बना। काफ़ी दोस्तों ने उसको पसंद भी किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी जा करके उसमें देखें, क्योंकि मैं काम पूरा दिखाता हूँ। अभी मैं शुरू किया, अब इसको जब तक ऑन नहीं होगा तब तक मैं इस वीडियो को कट नहीं करूँगा, क्योंकि होता कभी कम ही मैं वीडियो ऐसा बनाता हूँ जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करता हूँ, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में थोड़ा समझ में कम आता है। तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि साथ ही साथ में, एक ही साथ मैं सभी काम करते हुए आपको दिखाऊँ और इसको मैं कैसे ऑन करता हूँ वो आप देखें। तो जब हम ये इसका सप्लाई का इनपुट स्पेयर में देख रहा हूँ कि डैमेज है, तो सबसे पहले हमारा जो नियम कहता है कि पहले हम इसको सीरीज में डाल दें। जैसा कि हमने जो है पहले भी कई सीआरटी टीवी बनाते हुए आपको बताया है कि जो भी हमारा काम है, अगर सप्लाई का डैमेजिंग है तो उसको आप पहले सीरीज में डालें, उसके बाद ही आगे का काम करें। उससे क्या होता है, जो आपका आगे का स्पेयर नुकसान होने से बच जाता है। थोड़ा स्पेस कम है और कैमरे का जो है सेटिंग करने का जो है उतना तरीका, जगह नहीं है, जुगाड़ नहीं है, इस वजह से हम आपको जो है कोशिश ये करेंगे कि जो जो हम काम कर रहे हैं उसको हम बखूबी दिखाएं। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम इसको क्या करते हैं, सीरीज में डालते हैं। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि ये सप्लाई बोर्ड है, मेन सप्लाई बोर्ड, जहाँ से कि हमारा SMPS यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। तो इस फ्यूज के दोनों सिरे पे मैं एक 100 वाट का बल्ब लगाऊंगा, उसके बाद फ्यूज निकाल करके और फिर मैं इसमें कैपेसिटर वगैरह जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में देखेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने फ्यूज के दोनों सिरे पे जो है 100 वाट का बल्ब लगा दिया है होल्डर के साथ, और अब इसका मैं फ्यूज निकाल लेता हूं।
फ्यूज मैंने निकाल लिया है दोस्तों, और अब इसको जो है ये इसका मेन लीड है, हम एक बार सप्लाई देते हैं। और सप्लाई देने के बाद में देखते हैं जो इसका क्या, तो आप सुन सकते हैं आवाज जब मैंने सप्लाई दिया है तो 100 वाट का बल्ब पे कोई हरकत नहीं हुआ। ये मैंने स्विच यहां से एक बार ऑन ऑफ करके देखता हूं, और ये मेरा इंडिकेटर नहीं जला। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, इस सप्लाई निकाल के और जो मैंने आपको दोनों स्पेयर पार्ट्स दिखाया है उसको मैं निकालता हूं। तो एक मैंने ये 22 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर निकाल लिया है, और दूसरा जो है ये PF नहीं कहा जाए दोस्तों, ये बैरिस्टर है। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो नए होंगे जिनको की जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी है उनके लिए तो नहीं, जिनको जानकारी नहीं है मैं उनके लिए बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो बैरिस्टर होता है इसका PF से कुछ अलग हटके होता है, जैसे पिको फराइड होता है जो उसमें आपको जो है वोल्टेज को कम ज्यादा करने का या एडजस्ट करने का उसको सहने का क्षमता नहीं होता, वो अपने आप में एक जगह स्ट्रगल होता है और वहां से अगर ज्यादा हरकत हुई तो वहां पे वो खराब हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो बैरिस्टर है इसका ये क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूं। पहले बैरिस्टर दो शब्द वेरिएबल और रजिस्टर का मिश्रण यानी मिलकर बना हुआ होता है, मतलब एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस समय अनुकूल बदलता रहता है। बैरिस्टर का प्रतिरोध क्षमता आरोपित इनपुट वोल्टेज के अनुसार बदलता रहता है, जैसे हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है और अगर वहां पे कहीं कोई हरकत होती है तो ये ऐसा काम करेगा कि ये थोड़ा बहुत अपने आप में इसको एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और रजिस्टर दोनों की कार्य क्षमता होती है, इसलिए इसे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहा जाता है, यानी शॉर्ट में कह दें तो VDR भी कहा जाता है। ये काम ये करता है दोस्तों कि आपको मैं दिखाऊं कि ये जहां पे स्पेयर लगा हुआ है वो जैसा कि हमारा ये डायोड के ऊपर प्लस और माइनस पे लगा हुआ है, ये प्लस का हिस्सा हो गया और ये माइनस का हिस्सा हो गया। माइनस इधर से आया है और ये प्लस इधर से आया हुआ है, तो ये माइनस प्लस के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका ये है कि जैसे यहाँ पे PF वगैरह लगा हुआ रहता है, जब ये बैरिस्टर कहाँ लगा रहता है, ज्यादातर जहाँ हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, जहाँ पे ज्यादा वोल्टेज जो है आपको हैवी रहता है वहां पे बैरिस्टर लगा दिया जाता है, ताकि वो PF का भी काम करे और रजिस्टर का भी काम करे, क्योंकि यहाँ आगे जो है आप देख सकते हैं डबल कैपेसिटर लगा करके जो है सप्लाई बना हुआ है, तो इसमें जो हैवी सप्लाई होना चाहिए। 29 इंच का TV है तो हैवी सप्लाई इसको मांगता है, तभी जा करके ये काम करता है। तो ये बैरिस्टर जो है मैं इसको चेंज करूंगा और यहाँ पे ये कैपेसिटर को चेंज करूंगा जो मैंने अभी निकाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कैपेसिटर निकाला है, ये 22 UF है, उसके जगह पे हम 47 UF लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा ये बैरिस्टर है ये 20E 471 है, तो इसको जो झेलने की क्षमता है वोल्टेज को 750 वोल्ट तक, ये 600 से 750 वोल्ट तक ये झेल सकता है। तो मैं इस जगह पे ये सेम टू सेम तो मेरे पास में नहीं है, मैं इस जगह पे अभी एक बैरिस्टर निकाला है जिसको कि मैं अभी इसका वैल्यू देख लेता हूँ कि ये क्या है। ये है 14661, यानी कि इसको मैं लगा सकता हूँ इस पे, ये 650 से 700 तक वोल्टेज को अपने अंदर एडजस्ट करके रख सकता है, उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज की हरकत होती है तो ये खराब हो जाएगा। तो मैं इसको लगाता हूँ इसके जगह पे और फिर देखता हूँ TV ऑन करके। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लगा दिया है, यहाँ पे बैरिस्टर भी लगा दिया है, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर भी लगा दिया है, और एक बार मैं TV को सप्लाई देता हूँ।
अभी भी मेरा जो है ये एलईडी नहीं जला, तो इसका मतलब है जो और कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, या फिर हमने फ्रिज में डाल रखा है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं फ्रिज को निकाल देता हूं दोस्तों। दोस्तों मैंने फ्यूज लगा दिया है और एक बार मैं सप्लाई देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई दे दिया है, लेकिन अभी भी मेरा ये इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ है, लेकिन कट कट की आवाज आ रही है रिले की। अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है। तो अब जो है क्या करना है मैं बताता हूँ कि जैसे ही हमारा मान लीजिए ये सप्लाई का प्रॉब्लम था और इसमें ये कैपेसिटर खुला हुआ था और ये बैरिस्टर फटा हुआ था, तो अब हमें एक एक करके ये जितने भी रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है ये रजिस्टर वगैरह जो है चेक करना है। ये रेक्टिफायर जो लगा हुआ है रेक्टिफायर वगैरह को चेक करना है। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है। इसका किट इतना लंबा है कि जब मैं ऊपर करता हूँ पलटता हूँ तो उसके बाद जो है, तो इसके लिए मुझे इसका कुछ सॉकेट वगैरह निकाल लेता हूँ मैं कि आपको क्लियर दिखाऊं। क्योंकि अब मैं सप्लाई चेक करूंगा इसका, तो सप्लाई चेक करते हुए आपको दिखाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा कैमरा को सेट कर लेता हूं, क्योंकि जब तक कंप्लीट आप नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और मीटर को मैं एसी बोल्ट पे डालूंगा और जो एसी बोल्ट है हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 242 के आसपास वोल्टेज आ रही है इनपुट पे, और हमारा ये कैपेसिटर पे यहाँ हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। जो मैंने कैपेसिटर चेंज किया है उस पर मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज हमारा 331.32 आ रहा है, ये डीसी सप्लाई है। और यहाँ से आकर के हमारा रिले पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है वो देखना है। रिले पे हमारा वोल्टेज आ रही है, दोस्तों हमने एक चीज़ नोटिस किया है, आप भी शायद नोटिस कर सकते हैं कि ये देखिए मैंने पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया है और यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ एक पोल पे 145 वोल्ट आ रहा है और यहाँ दूसरे पोल पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये रजिस्टर मुझे निकालना पड़ेगा। मैंने सप्लाई ऑफ कर दिया और ये रजिस्टर मैंने निकाला है 723 6.8 ओम्स। तो दोस्तों हमारे पास में ये रजिस्टर तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये वाला रजिस्टर लगाऊंगा, ये 10 वाट का है तो ये चल सकता है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों थोड़ा परेशानी बढ़ गई थी, इस वजह से जो है मैंने वीडियो कट कर दिया था। जो मैंने ये रजिस्टर लगाया है इसका एक पोल तो ठीक ठाक था ये वाला, दूसरा पोल में थोड़ा सा प्रिंट टूट गया, तो इस वजह से जो है थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे एक पतला सा बारीकी प्रिंट और है जिसको कि यहाँ से यहाँ पे हमने जम्पर लगा दिया है, यहाँ पे क्रैक हो गया था, और यहाँ से मैंने ये रजिस्टर से जो ये रिले पे आया है सप्लाई मैंने इस पर लगा दिया है। तो अब मैं एक बार सप्लाई दे करके देखता हूँ कि हमारा जो सप्लाई है वो ठीक हुआ कि नहीं। उससे पहले जो मैंने अभी रजिस्टर निकाला है उसको एक बार मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। मीटर को मैंने डायरेक्ट पे लगा दिया है और ये मैंने अभी निकाला है इसमें से, तो अभी इसको बोलना चाहिए, ये आप देख सकते हैं नहीं बोल रहा है, तो इस वजह से मैंने लगाया है। तो इसको मैंने अभी लगा दिया है, अब देखते हैं एक बार सप्लाई दे करके कि मेरा टीवी का
प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं। दोस्तों मैंने सप्लाई दे दिया है, लेकिन अभी भी मेरा प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। तो अब मैं एक बार इसका फिर से सप्लाई चेक करूंगा कि और भी कहीं फॉल्ट है या जो मैंने अभी काम किया है उसमें मिस्टेक है। जो मैंने कैपेसिटर चेंज किया था उसके पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया है और नेगेटिव पे 340-41 वोल्ट आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये रजिस्टर अभी चेंज किया है, यहाँ पे हमारा 150 वोल्ट आ रहा है इनपुट पे, और इसके आउटपुट पे देखते हैं, ये देखिए आउटपुट पे भी हमारा सप्लाई 148-149 आ रहा है, 47-48 आ रहा है। यानी कि पहले हमारा जो रजिस्टर पे सप्लाई यहाँ आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, अब मेरा आ रहा है। तो अब ये रजिस्टर तो ओके हो गया। अब मैं एक बार यहाँ पे एक और रजिस्टर है लगा हुआ, इसके इस सिरे पे 151 वोल्ट आ रही है, दूसरा सिरा जो है उसके लिए मुझे इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सप्लाई ऑफ कर दिया और अब मैं इसका यहाँ का ये रजिस्टर मैं चेक करूँगा जो कि मैं दिखाऊँ आपको एक बार। ये देखिए, एक हमारा ये रजिस्टर मैंने अभी चेंज किया है और दूसरा जो रजिस्टर रिले पे जा रहा है वो एक ये है, तो इसका भी कंटिन्यूटी चेक करूँगा मैं। मैंने सप्लाई लगा दिया है और ये पॉजिटिव पे रख दिया और निगेटिव पे हमारा यहाँ 149-50 वोल्ट आ रही है और यहाँ पे भी हमारा 49-50 वोल्ट आ रही है, जो कि हमारा मुझे लगता है जो यही वोल्टेज जो है रिटर्न होकर के हमारा प्लस माइनस वाला आ रहा है इस पे, यानी कि प्लस का वोल्टेज ये है और माइनस का वोल्टेज हमारा ये है। अब मैं इसका माइनस पे रख देता हूँ प्राउड, और माइनस पे मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे 144 मिल रही है, और इस पे रखता हूँ तो 150 के आसपास मिल रही है। अब मुझे ये देखना है कि हमारा यहाँ पे सप्लाई आया कि नहीं। अभी भी हमारा यहाँ जो रेक्टिफायर है लगा हुआ जो इस पे सप्लाई आता है इसमें माइनस प्लस नहीं बना है। तो अब मैं एक बार टीवी को ऑफ कर देता हूँ और मीटर को डायरेक्ट में लगा करके और फिर मैं एक बार चेक करूँगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है सप्लाई में आपका पूरा प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा जब आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो मीटर बोलेगा और बता देगा कि हमें कहाँ से दिक्कत है। तो अब मैं आगे साइड से थोड़ा, ये एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर ये रहा और एक रजिस्टर हमारा, एक रजिस्टर हमारा ये रहा और एक रजिस्टर हमारा ये रहा जो बाकी है। तो मैं इस पे मेरा मीटर बोल रहा है यानी कि ये ठीक है, इस पे मेरा मीटर बोल रहा है ठीक है, और ये तीसरा जो यहाँ पे है इस पे हमारा नहीं बोल रहा है। ये आपको दिखाऊं कि ये वाला रजिस्टर नहीं बोल रहा है, तो मैं इसको निकालता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस पे 10 वाट 0.68 ओम्स जे लगा हुआ है, तो इसमें भी 10 वाट का एक रजिस्टर मैं लगाऊंगा। इसको एक बार मैं चेक करूं ओपन करने के बाद कि सही में ये खराब है कि सही है।
ये आप देख सकते हैं मेरा मीटर कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर हमारा खराब है। यानी कि अभी तक हमने एक ये रजिस्टर अभी चेंज किया है, अभी ये चेंज करूंगा, और एक मैंने ये कैपेसिटर चेंज किया है, और एक मैंने बैरिस्टर चेंज किया है, लेकिन अभी भी मेरा टीवी जो है ओके नहीं हुआ है। आप देखते हैं कि इस जगह पे मुझे ऐसा इस क्वालिटी का तो इस डिजाइन का तो मेरे पास में रजिस्टर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक मैंने ये 10 वाट का है 4E7 यानी 4.7 ये मैं लगा सकता हूँ, ये चल जाएगा, तो मैं इसको लगाऊंगा। लेकिन इसको लगाने के लिए दोस्तों इसमें जगह नहीं बन पा रहा है किट में। मैं आगे सेट से एक बार दिखाऊंगा आपको। मैंने अभी एक ये कैपेसिटर चेंज किया है, और एक अभी मैंने ये बैरिस्टर चेंज किया, एक ये रजिस्टर चेंज किया, लेकिन अभी भी हमारा फॉल्ट वहीं का वहीं है। अभी जो मैंने निकाला है यहाँ से एक रजिस्टर निकाला है, इस रजिस्टर को यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो ये यहाँ पे सेट नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें ये जुगाड़ सोचा है कि इसमें दो वायर लेकर के कनेक्ट कर देंगे, और वायर भी थोड़ा सा बढ़िया लेंगे जिसमें कि 1 एम्पियर झेलने की क्षमता हो, क्योंकि ये रजिस्टर जो है 1 एम्पियर झेलने की क्षमता रखती है। तो वहाँ पे हमें वायर भी थोड़ा मजबूत ही चाहिए। तो अब इसको जो हमें इसमें लपेटना है वो ऐसे डायरेक्ट हम नहीं इसमें सोल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में क्या होगा, गर्म होकर के जो है सोल्डिंग निकलने की डर लगी रहेगी। टीवी बड़ा है तो इसमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, वोल्टेज यहाँ पे जो आएगा वो हैवी वोल्टेज आएगा, तो इसलिए ऐसे करके इसमें हम इसको लपेट देंगे। और लपेटने के बाद जो है इसको इस हिसाब से करके इसमें सोल्डिंग कर देंगे, ये हीट हो करके निकलेगा नहीं। वैसे अगर हम ऊपर से रख के जोड़ देते तो ये निकलने का डर रहता, लेकिन अब ये मजबूत हो गया है। चलिए अब एक बार इसको मीटर से चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्टर ठीक है कि नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा ठीक है। अब हम इसको जो है लगा सकते हैं इस जगह पे, और इसको जो है जब हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं उसके बाद में हम इधर कहीं जुगाड़ फिट कर देंगे, जो ताकि हमारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चिपका देंगे हम किट में। चलिए मैंने इसको लगा दिया है, अब एक बार हम सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मेरा ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि टीवी मेरा ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत किया है लेकिन मेरा काम सफल हो गया। तो अब हम इसको जो है एक बार सप्लाई निकाल लेते हैं, और सप्लाई निकालने के बाद में इसका वीडियो चला करके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं था, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया, और अब जो है मेरा टीवी ऑन हो गया है। मैं एक बार दिखा दूं कि इसमें मैंने वीडियो चला करके दिखाना है। तो दोस्तों मैंने टीवी अभी कॉर्ड लगा दिया है, और एक बार इसमें सप्लाई दे करके तो आप देख सकते हैं LED ब्लिंकिंग कर रही है, और टीवी मेरा ऑन हो गया है। सेटअप बॉक्स का भी मैं सप्लाई लगा देता हूं एक बार।
देखिए दोस्तों मेरा टीवी फुल ओके हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार मैं चैनल चेंज करके इसका दिखाता हूँ, ये आप देखिए। मैं ज़्यादा देर वीडियो पे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का दावा आ जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ। टीवी का जहाँ तक सभी प्रॉब्लम हमारा सप्लाई से ही था, अब कोई दिक्कत नहीं है। साउंड भी हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग भी इसी तरह से थोड़ा धैर्य धारण करके रखेंगे, काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि हमने इसमें टोटल जो है ये स्पेयर पार्ट्स इसमें खराब था, जिस वजह से जो है ये हमारा सप्लाई काम नहीं कर रहा था। मैंने सभी अपनी अपनी जगह पे सही ढंग से लगा दिया है और अब मेरा टीवी फुल ओके हो गया। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर इधर।